हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट की गैस, इन घरेलू उपाय से होगी छू मंतर, एसिडिटी, कब्ज की समस्या भी होगी दूर, जाने कारण और लक्षण। गैस जैसी बीमारियां आम बात हो गई है, तली बूंदी चीज़ें खाते रहते हैं, ऐसी में इसका पेट में, सीने में, कई बार तो सर में भी बहुत जोर से दर्द होता है। छाती और पेट में दर्द होना आम बात है। पाचन संबंधी कुछ समस्याएं, पेट फूलना, उपाय से जड़ से ख़त्म करने के घरेलू उपाय है। अगर बिना खाए भी आपका पेट भरा हुआ लग रहा है या भूख नहीं लग रही है तो आपको एसिडिटी हो सकती है। खाने का हजम होना, उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। आपकी सांस में बदबू आना भी इसका लक्षण है। पेट फूलना आपके पेट की गैस के लिए रामबाण इलाज है। ये डाइजेशन के बेहतर बनाएगी अदरक, जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है और यह सूजन और सीने में जलन को रोकती है। खाना खाने के बाद अदरक और नींबू की कुछ बूंदों के मिश्रण का एक घूंट आपका कई परेशानियों से दूर रख सकता है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगी सौंफ। सौंफ में मौजूद तत्व पेट की गैस कम करने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इसे चबाने से या चाय में डालकर लेने से पाचन क्रिया सक्रिय होती है। मुंह फ्रेश करने के भी काम आती है सौंफ। पेट के लिए अच्छा है जीरा। जीरे को सेवन करने से अग्नाशय के विभिन्न तत्वों का स्राव होने लगता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। आप इसे तलकर, दूध, दही, शिकंजी, सलाद या सूप में पीस कर भी ले सकती है। दही पेट के विकार दूर करने में सहायक होता है। इससे पाचन और संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर मात्रा में होती है। पेट दर्द, गैस और एसिडिटी में राहत देता है। इससे रोज प्रयोग करने से पेट में आराम के साथ खूबसूरत बाल और स्किन में भी फायदा मिलेगा। कब्ज रोगी ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी अभी शुरू होती है और कभी ख़त्म हो जाती है। कई बार ऐसे होता है ठीक हो जाती है और कुछ दिन नहीं होती। और एक तरह की ऐसी होती है जो कितनी भी दवाई ले आराम नहीं होता, दवाइयाँ ले लेकर परेशान हो जाते हैं और वो तरह तरह के इलाज करा के थक चुके होते हैं। उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तीनों प्रकार की कब्ज के लिए है बताऊंगी मैं आपको, जो इलाज और रामबाल इलाज है। खान पान के बारे में भी बताऊंगी, जिसको खाना कब्ज रोगियों के लिए ही ठीक रहेगा। उनका नियम पालन करना होगा। सुबह सुबह उठकर पानी पिए 3 गिलास कम से कम। अब आप कहोगे बहुत ज़्यादा पानी है। हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितनी भोजन की है उतनी ही पानी की है। देखो, हमारे शरीर में 70-75% पानी होता है। रसेदार सब्जियों का प्रयोग करना है। हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना। दाल छिलके वाली होनी चाहिए। आटा आटे के देखना है कि ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, मैदे जैसा नहीं। ज़्यादा बारीक आंतों में चिपक जाता है। मोटा आटा खाइए, चोकर सहित खाइए। यह भोजन में खाने का तरीका, भोजन के साथ साथ सलाद जरूर लेनी चाहिए। सलाद में फाइबर होता है, उससे भोजन पचाने में सहायता मिलती है। अब परहेज, ज़्यादा तला भोजन नहीं करना, ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन नहीं करना है, चीज़ों का नहीं खाना, गरम चाय, कॉफ़ी, सिगरेट आदि इत्यादि। इसमें गर्मी खुश्की हो जाती है, जिससे कब्ज की शिकायत बन जाती है।
आधा कप सुबह और आधा कप दोपहर को, शाम को नहीं, मूली का रस खाना खाने के आधा घंटे बाद आधा आधा कप पिए। मुनका को रात को भिगो दे, सुबह मुनका के बीज निकाल कर खाइए, ऊपर से गर्म पानी पिए, आराम होगा, पेट साफ होगा। 7-8 मुनका दूध में उबाल कर रख दे रात को, सुबह देसी घी 1 चम्मच गाय का डाल कर पिए, बहुत फायदा होगा। घी हमारी आंतों को चिकनाई देगा। अगर किसी को घी उपलब्ध नहीं हो तो अरंडी का तेल गर्म पानी में डालकर पीने से आराम होगा और पेट भी अच्छी तरह साफ होगा। 1 मुट्ठी अंगूर खाइए, आराम होगा। अनार का जूस पिए, आराम होगा। नाशपाती का जूस पिए, आराम होगा। और अजवाइन में गुड़ के साथ खाने से भी आराम होता है। अलवीरा को जूस से बहुत ही फायदा होता है। और इससे भी ज़्यादा अगर किसी की कब्ज़ में आराम ना हो तो मैं आपको एक दवाई और बताती हूँ, उसको लेने से आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। इच्छा भेदी रस की 2 गोली सुबह लेने से या शाम को एक बार लेने से कब्ज़ में आराम होता है। ठंडे पानी से, अगर दस्त लग रहे हो तो गर्म पानी से लिए, उससे बहुत तुरंत फ़ायदा होगा और अच्छे से पेट साफ होगा। और ये रामबाण इलाज है कब्ज तोड़ने का, सबसे बढ़िया इलाज है। आप करके देखिए, आजमाइए। और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।